यूपी के श्रावस्ती में भारत बंद से पहले गिरफ्तार किए गए भारतीय किसान यूनियन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्सपायरी डेट का बिस्किट दिए जाने पर बवाल हो गया। अस्थायी जेल में रह रहे नेताओं ने एक्सपायरी डेट की बिस्किट को लेकर हंगामा किया और दुकानदार के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की और बौद्ध परिपथ को जाम कर दिया। अधिकारियों द्वारा समझाए जाने और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बिस्किट एक्सपायरी डेट का नहीं होने संबंधी प्रमाण दिए जाने के बाद जाम हटाया जा सका। हम लोगों ने पूरे बाजार में जुलूस निकाला, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे तमाम व्यापारी साथियों ने भी हमारे आंदोलन को समर्थन दिया है और इस भ्रष्ट सरकार को, इस अलोकतांत्रिक सरकार को हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब ये आंदोलन सड़कों पे उतर चुका है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पे। हम सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन नंदन एवं वंदन करते हैं और आपके माध्यम से इस भ्रष्ट सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अब इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का बेरोजगार जग चुका है। आपको ये किसान विरोधी बिल तत्काल वापस ले लेना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इसका परिणाम आप भोगने के लिए तैयार रहें। अन्नदाता के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो ये काला कानून बनाया गया है, उसका प्रभाव पूरे देश के किसानों पर है। पूरा देश का किसान जो सबका पेट भरता है, आज वो अपनी उपज पैदा करने के बाद दर दर भटकता है, उसके सामान, उसके खाद्यान्न को खरीदने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग है और किसानों के समर्थन में हमारा सहयोग शुरू से रहा है। किसानवादी समर्थित पार्टी रही है, जब भी हमारी सरकार बनी है हमने किसानों के लिए कानून बनाए हैं, सुविधाएँ दी हैं, व्यवस्थाएँ दी हैं।